माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे तर्कश जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में। आज के समय में आतंकवाद वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसे रोकने के लिए हर देश अपनी ओर से सजग प्रयास कर रहे हैं। वहीं बहुत बार ऐसा होता है कि कई देश मिलकर ज्वाइंट एवं बाइलेटरल एक्सरसाइज के जरिए आतंकवाद को हराने के तरीके एक दूसरे से साझा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस द्वारा तर्कश अभ्यास का सफल समापन चेन्नई में हुआ है। बता दें ये संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास का छठा संस्करण था। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इस अभ्यास में पहली बार CBRN यानी कि केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर हमले और उनके प्रति प्रतिक्रिया को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। इस अभ्यास में जैविक एवं रासायनिक हमलों को एक बड़े खतरे के रूप में आंका जा रहा है। भविष्य में इन हमलों के खतरे को देखते हुए दोनों देशों की फोर्सेस ने कई मॉक ड्रिल्स को भी अंजाम दिया है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों को निर्बल बनाना, साथ ही उनके द्वारा कैप्चर किए गए बंधकों को सुरक्षित वापस लाना है। साथ ही आज के समय में कई आतंकवादी संगठन वॉर टैक्टिक्स के साथ टेक्निकल रूप से भी सक्षम हैं, जिसके कारण CRBN जैसे विनाशकारी हथियारों के प्रयोग होने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में भारत और अमेरिका अपने अपने फोर्सेस के साथ मिलकर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 4 हफ्ते तक चले इस अभ्यास में कई तरह के नए युद्ध तकनीक को एक दूसरे के साथ साझा किया गया है। आज के गंभीर समय में ऐसे अभ्यासों का होना एक जरूरत बन चुका है। इस एक्सरसाइज में पहली बार NSG और SOF ने CRBN हथियार और उनके अगेंस्ट रिस्पांस और उनसे निपटने की टेक्निक पर काम किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी CRBN हथियारों के इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति एक बड़े खतरे के रूप में माना है। आपको बता दें इस हथियार का प्रयोग वर्ष 2017 में देखा गया था, जब सीरिया में सीरीन गैस के हमले के रूप में ये सामने आए थे। इस हमले में लगभग 100 के करीब लोग मारे गए थे। रासायनिक हथियारों को मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर जहरीले रसायनों का उपयोग इन हथियारों को बनाने में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जैविक हथियार विषाणु या जीवाणु तकनीक का इस्तेमाल करके हमले में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। जाने से पहले कुछ बातें NSG के बारे में जान लेते हैं। ये भारत का एक विशेष प्रतिक्रिया बल है। इन्हें भारतीय ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किया गया था। ये भारत के साथ केंद्रीय सशक्त पुलिस दलों में से एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।